और चलिए अब सीधा समाजवादी पार्टी के फंक्शन की तरफ रुख करते हैं, जहां पर प्रियंका बातचीत कर रही हैं। देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं सपा के मंच पर फिलहाल प्रियंका अपना भाषण देती हुई, और यूपी में बीजेपी के खिलाफ वोट कटवा उम्मीदवार उतारने के बयान के बाद प्रियंका गांधी का एक और कदम चर्चा में आ चुका है। दरअसल प्रियंका गांधी यूपी के उच्चाहार में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची हैं। जैसे कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले आप जी बिजनेस पर यह खबर देख पा रहे हैं, जहां पर उनका जोरदार स्वागत भी हुआ है। यहां पर आपको बता दें कि प्रियंका गांधी यूपी के उच्चाहार में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची हैं, और यही नहीं, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी यहां पर लगाए जा रहे हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता विवेक श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। विवेक, बताएं वहां का हाल देखते हुए इस पूरी चीज को किस तरह से समझा जाए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रायबरेली जो सीट है वो वीवीआईपी सीट मानी जाती है, और संप्रंग अध्यक्ष सोनिया गांधी यहां से लगातार 4 बार सांसद रह चुकी हैं। इस बार उन्होंने 5वीं बार अपना नामांकन किया है, तो कायदे से ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और कांग्रेस की परंपरागत सीटों में से एक है। तो उन्हीं के प्रचार के लिए आज प्रियंका गांधी, 5वें चरण में यहाँ चुनाव होना है, तो प्रियंका गांधी अपनी माँ के प्रचार के लिए जो है वो रायबरेली में दौरा कर रही हैं, और लगातार आज करीब पूरे दिन में उनकी 1 दर्जन से अधिक नुक्कड़ सभाएं हैं। इस दौरान वो उचाहार में सपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग में भी पहुंची, वहां पे उन्होंने समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, उनको संबोधित किया। उनको संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार की नाकामियों को गिनाया, इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के प्रति के समर्थन के लिए अपील भी की। चलिए, तो फिर इस पूरी जो पूरी चीज हम फिलहाल देख रहे हैं, चुनाव के हिसाब से इसे आप किस तरह से आकलन करेंगे इसका? जी बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि रायबरेली में समाजवादी पार्टी और बसपा पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, तो एक अघोषित समर्थन जो है वो दे रखा है समाजवादी पार्टी और बसपा ने। तो उस समर्थन की वजह से यहाँ का जो समाजवादी कार्यकर्ता है वो बिल्कुल कांग्रेस के समर्थन में ही निर्देशों के अनुसार, अखिलेश यादव के निर्देशों के अनुसार यहाँ पे मौजूद है। जी बिल्कुल विवेक, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।